हेलो स्टूडेंट्स, आज की आपकी जो वर्कशीट हम देख रहे हैं वो है इंग्लिश की वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 38। ये 1 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये एक तरह से रीकैप और टेस्ट की तरह वर्कशीट है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स यहाँ पर जो है वो आपको खुद ही करनी होंगी, क्योंकि वो आपका एक तरह से रिफ्लेक्शन है कि अभी तक आपने जो जो किया है वो आपने किस तरह से किया और क्या क्या आपने उस चीज में किया है स्टोरी राइटिंग में। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो यही है कि आपको यहाँ पर रिवाइज करना है कि स्टोरीज कैसे आप लिखते हैं और उसमें कैसे क्लूज आइडेंटिफाई करने हैं, ये सब आपको रिवाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि अ स्टोरी यूजुअली हैज 4 कॉम्पोनेंट्स, प्लीज नेम देम। तो स्टोरी के कौन से 4 कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो आपको नेम करने हैं। मुझे पक्का ये ट्रस्ट है आप पे, विश्वास है आप पे कि अब तक तो आपको याद हो ही गए होंगे कि स्टोरीज के कौन से 4 मेन कॉम्पोनेंट्स या एलिमेंट्स हैं। तो आप ये खुद लिख सकते हैं, फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले कैरेक्टर्स, फिर सेटिंग, उसके बाद हर स्टोरी में एक प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ हर स्टोरी का एक सोल्यूशन भी होता है। तो यही होते हैं एक स्टोरी के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपको यहाँ पर लिखने हैं पहले, उसमें 1 2 3 4, यहाँ पर आपको 4 कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो लिखने हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या बताया गया है आपकी यहाँ पर इसमें वर्कशीट में। सो वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज, वन वॉज अबाउट फेरीज, वन वॉज अबाउट अ गर्ल एंड अ मंकी, वन वॉज अबाउट अ पिकनिक, वन वॉज बेस्ड ऑन अ विजुअल इनपुट, वन वॉज अ फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल। तो आपने जो है अलग अलग स्टोरीज की यहाँ पर प्रैक्टिस की है जो अभी तक स्टोरी राइटिंग में वर्कशीट हुई है। एक फेरीज के ऊपर स्टोरी थी, आपको याद होगा कि हमने एक प्रिंसेस के ऊपर, एक प्रिंस था जो फ्रॉग में टर्न हो जाता था और प्रिंसेस उसे बचाती है, उस पर एक स्टोरी लिखी थी। फिर हमने एक स्टोरी लिखी थी गर्ल और मंकी के ऊपर, जहां पर आपको एक विजुअल इनपुट दिया गया था, मतलब कि आपको फोटो दी गई थी एक लड़की की, मंकी की, बनाना की, ट्री की, अम्ब्रेला की, वहां पर आपको एक स्टोरी लिखनी थी। तो आपने लिखी थी चिंटी एंड द बनाना, वो वाली स्टोरी आपने लिखी थी। फिर एक पिकनिक के बारे में स्टोरी थी जिसमें 5 दोस्त होते हैं, वो पिकनिक के लिए जाते हैं, उनमें से एक खो जाता है, फिर एक सर्च पार्टी सेटअप होती है और फिर उसको ढूंढा जाता है दोस्त को। तो ये एक स्टोरी आपने लिखी थी। फिर उसी तरह से विजुअल इनपुट पे भी आपको एक स्टोरी लिखने को कहा गया था, ये ऑप्शनल था। तो या तो आप फेरी स्टोरी लिख सकते थे या विजुअल इनपुट पे लिख सकते थे। जो ये गर्ल और मंकी वाली जो स्टोरी थी वो भी विजुअल इनपुट पे ही बेस्ड थी। तो क्योंकि विजुअल इनपुट का मतलब है कि आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं और उससे आइडिया लेकर आपको स्टोरी लिखनी है। फिर एक स्टोरी थी अकबर और बीरबल की स्टोरी, ये आपको याद होगा सबसे पहली जो वर्कशीट थी उसमें ये स्टोरी जो है आपने ये ऑर्गेनाइज की थी। तो इसके स्टोरी के जो सेंटेंसेस थे वो आगे पीछे थे और आपने इसको रीऑर्गेनाइज करके आपने करेक्ट ऑर्डर में लगाया था। तो इस तरह से आप अभी तक बहुत सारी स्टोरीज देख चुके हैं और साथ ही साथ स्टोरीज लिख भी चुके हैं। तो इसी की कंटिन्यूएशन में अब जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको खुद से रिफ्लेक्ट करना है। तो इन स्टेटमेंट्स में कोई भी करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर नहीं है। आपको अपने आप सोचना है कि यहाँ पर आपके लिए क्या सूट करेगा, क्या आपके लिए करेक्ट चॉइस होगी। तो क्वेश्चन क्या है, मैं जल्दी से आपको पढ़कर बता देती हूँ। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विद 2 चॉइसेस। तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हर स्टेटमेंट में 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। सर्कल द वन विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल। तो यहाँ पर आपको ये जो 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन 2 स्टेटमेंट्स में 2 चॉइसेस हैं और आपको ये चॉइसेस जो है ये स्लैश से अलग अलग कर रखी हैं, तो आपको इनमें से वो सर्कल करनी है जो आप ज्यादा यूज करते हैं। तो जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि मैं ये, लेट्स से ये वाला जो ऑप्शन है मैं ज्यादा यूज करता या करती हूँ, तो वही आपको ये पता चल जाएगा कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो मैं कम यूज करती हूँ। तो जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो दूसरे वाला एलिमेंट है आप उस पर भी फोकस करें। तो इस तरह से आप हर तरीके से स्टोरीज लिख पाएंगे और अलग अलग तरीके की स्टोरीज आप लिख पाएंगे। तो अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्या हैं ये देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट। मुझे ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद है जिसमें पिक्चर्स दी होती है और उसके बेसिस पे स्टोरी लिखी जाती है। या फिर आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन रिटन प्रॉम्प्ट्स और हेल्प बॉक्स। या मुझे ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद है जिसमें कुछ रिटन प्रॉम्प्ट्स हो, कुछ हेल्प बॉक्स हो। तो
तो हमने अभी तक जो लिखी है, हमने तो हर तरीके तरीके की स्टोरी लिखी है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मुझे रिटन प्रॉम्प्ट्स जो हेल्प बॉक्स है उस पर बेस्ड स्टोरी लिखना मुझे ज्यादा पसंद है। जैसे ही आप इसको सर्कल करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको विजुअल इनपुट पे बेस्ड स्टोरी लिखने की भी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैं फिर से बता रही हूँ कि इसमें कुछ भी करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर नहीं है, सही गलत आंसर नहीं है। बस आपको एक तरह से समझना है कि आप किस तरह की स्टोरीज लिखना पसंद करते हैं, और ये रिकग्नाइज करते हुए आप जिस तरह की पसंद नहीं करते हैं या जिसकी आपको प्रैक्टिस नहीं है उस पर भी आपको थोड़ा काम करना चाहिए। बस यही बताने के लिए इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का पर्पज है। तो आगे देख लेते हैं, सेकेंड सेंटेंस क्या है। आई लाइक टू राइट फनी स्टोरीज, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड गॉड्स, स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ, एनिमल स्टोरीज। तो आपको किस किस तरह की स्टोरीज जो है लिखना पसंद है? तो मैं यहाँ बता देती हूँ, मुझे फनी स्टोरीज लिखना पसंद है। आप लिख सकते हैं कि फेरीज और गॉड्स के बारे में स्टोरीज लिखना पसंद है, और साथ ही साथ डेली लाइफ की स्टोरीज लिखना पसंद है। तो अगर आप इन तीन को सर्कल करते हैं, इसका मतलब कि एडवेंचर स्टोरीज और एनिमल स्टोरीज पर आपको काम थोड़ा ज्यादा करना है। हो सकता है कि आपको हर तरह की स्टोरी लिखना पसंद हो, तो इसका मतलब है कि आप हर जॉनर जो है, हर काइंड ऑफ स्टोरी जो है उस पर काम ऑलरेडी कर रहे हैं, और बस इसी को आपको इम्प्रूव करना है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी इज कैरेक्टर सेटिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन। तो आपके लिए एक स्टोरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कैरेक्टर होता है, या सेटिंग होता है, या सिर्फ प्रॉब्लम होता है, या सोल्यूशन होता है। मेरे हिसाब से चारों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इसलिए कभी मैं कोई भी स्टोरी लिखने की कोशिश करती हूँ तो मैं ये मेरी ये कोशिश रहती है कि चारों एलिमेंट्स पे ही अच्छे से काम हो, और चारों एलिमेंट्स ही बहुत ही इंटरेस्टिंगली यूज हो। तो आप भी एक तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप वो सर्कल कर सकते हैं और बाकी पे आप काम कर सकते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, व्हेन राइटिंग अबाउट द कैरेक्टर आई फोकस ऑन कैरेक्टर्स अपियरेंस, टोन, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब आप एक कैरेक्टर के बारे में लिख रहे होते हैं आप अपनी स्टोरी में, तो आप किस पर फोकस ज्यादा करते हैं? आप लिख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, अपीयरेंस पे आप फोकस करते हैं। उसका टोन कैसा है, मतलब वो बातचीत करने का तरीका कैसा है उसका। एटीट्यूड कैसा है उसका, मतलब कि उसका नेचर कैसा है, दुनिया की तरफ नजरिया कैसा है, या पॉइंट ऑफ व्यू उसका कैसा है। तो किस तरीके से आप उस कैरेक्टर के बारे में स्टोरी लिखेंगे, क्या आप उस कैरेक्टर से ही डायलॉग्स बुलवाएंगे, या आप एक ओमनी प्रेजेंट नरेटर, मतलब कि एक ऐसा नरेटर जो स्टोरी का पार्ट नहीं है लेकिन उस स्टोरी के बारे में बता रहा है। तो ये सब जो है आप किस पर फोकस करते हैं, आपको वो हाईलाइट करना है यहाँ पर। तो मैं अगर अपियरेंस और पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस करती हूँ, मतलब कि मुझे टोन और एटीट्यूड पे काम करना है। फिर आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग। तो जब मैं सेटिंग डिस्क्राइब करती हूँ या करता हूँ, तो मैं किस पर फोकस करता हूँ? मैं सिर्फ सराउंडिंग पे फोकस करता हूँ, मैं डिस्क्राइबिंग पीपल, लोगों को डिस्क्राइब करने पे फोकस करता हूँ, या जो कल्चर है उस पर फोकस करता हूँ? तो आप कह सकते हैं कि आप सराउंडिंग पे फोकस करते हैं, और इसका मतलब होगा कि आपको लोगों को और उनके कल्चर को डिस्क्राइब करने पे भी फोकस करना चाहिए। तो आप चाहें तो आपको देखना है यहाँ पर कि आप जब स्टोरी लिखते हैं तो आप किस पर फोकस करते हैं। फिर है आपका, व्हाइल राइटिंग अ स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशंस, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी, डायलॉग। सो जब आप स्टोरी लिख रहे होते हो तो आप किस पर फोकस करते हैं? इमोशंस पर, वो कैसा फील कर रहे हैं, एक्शंस पर, वो कर क्या रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी, स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग वे में लिखी जा रही है, और डायलॉग्स क्या हैं। तो मैंने देखा है अभी तक हमने जो स्टोरी लिखी है हमने डायलॉग पे ज्यादा फोकस नहीं किया है, हमने इन तीन चीजों पे फोकस किया है। इसका मतलब है कि अगर आप और स्टोरीज लिख रहे हैं तो आपको डायलॉग पर भी फोकस करना चाहिए। लास्ट स्टेटमेंट है आपका, While writing the story, I like to use short sentences, long sentences, complex sentences, noun phrases, phrases, a mix of all. तो जब आप स्टोरी लिखते हैं तो आपको कैसे सेंटेंसेस लिखने पसंद हैं? ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपको ध्यान देना चाहिए कि जब आप स्टोरी लिख रहे हैं तो आप किस तरह से अपने सेंटेंसेस क्रिएट कर रहे हैं। आपको जरूर फोकस करना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना भी ठीक नहीं है, सिर्फ लॉन्ग सेंटेंसेस या सिर्फ कॉम्प्लेक्स, सिर्फ ये ठीक यूज करना भी ठीक नहीं है। अ मिक्स ऑफ ऑल होना चाहिए, और जब मैं स्टोरी लिखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिक्स ऑफ ऑल हो। तो आप भी देखिए, कोशिश कीजिए कि आप किस तरह की स्टोरी लिखते हैं, और कोशिश कीजिए कि एक मिक्स ऑफ ऑल आपके सेंटेंसेस में हो।
तो अब ये स्टेटमेंट्स के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? तो लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का यही है, फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट्स चूज अ स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट बाई मेकिंग चेंजेस टू कैरेक्टर्स और सेटिंग्स और द वे योर स्टोरी एंड्स। तो आपको जो है अभी तक हमने जो आपको स्टोरीज बताई हैं या आपने जो स्टोरी कोई लिखी है, तो आपको दोबारा से उस स्टोरी पे जाना है और दोबारा से देखना है कि आप कहाँ पर चेंजेस करना चाहेंगे। क्या आप किसी कैरेक्टर को बदलना चाहेंगे या क्या आप कोई सेटिंग बदलना चाहेंगे, मतलब वो कहाँ पर स्टोरी हो रही है या फिर वो स्टोरी कंप्लीट कैसे होती है, फिनिश कैसे होती है, एंड कैसे होती है, वो एंडिंग आप चेंज करना चाहेंगे। तो आप चाहें तो जैसे वो स्टोरी है गर्ल और मंकी की जो स्टोरी थी, आप चाहें तो उसको दोबारा लिख सकते हैं, या कोई और स्टोरी अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप उसे चेंज करके आप इस आंसर में आप लिख सकते हैं। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये आपकी चॉइस पर बेस्ड है। तो बहुत सारी स्टोरीज ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी हैं, ये जो आपको ऊपर बताया था कि इतनी सारी आपने स्टोरीज यहाँ पर पढ़ी हैं, तो इनमें से कोई भी एक स्टोरी आप पिक कर लीजिए और उसमें आप जो भी चेंजेस लाना चाहते हैं आप उन चेंजेस को लिखिए और अपनी एक नई स्टोरी लिखिए। यही आपका इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है इस वर्कशीट में ये है। तो ये बहुत ही चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको यहाँ नहीं करके दिखा पाएंगे क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक चॉइस होगी। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से देखिए कि जो ऑलरेडी आप स्टोरी लिख चुके हैं उसको किस तरह से आप उसमें कौन से चेंजेस लाकर आप उस स्टोरी को करना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू।